मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली से जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री को रवाना किया। ये राहत सामग्री विभिन्न संस्थाओं ने आपदा प्रभावितों के लिए उपलब्ध कराई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जोशीमठ के प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के हितों की रक्षा की जाएगी, प्रभावितों को तत्कालिक और दीर्घकालिक राहत दी जाएगी। वहीं चमोली जिले में कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में प्रशासन ने 25 मकानों में दरार चिन्हित की है। इनमें 8 मकानों असुरक्षित पाए गए हैं। इनके कुछ परिवार नगरपालिका के रैन बसेरे में और कुछ किराए के मकानों में रह रहे हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि कर्णप्रयाग के भूस्खलन क्षेत्र में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक सर्वे कर डीपीआर तैयार कर रहे हैं। कर्णप्रयाग में जो कुछ जगह पर कुछ घरों में दरारें परिलक्षित हुई थी, तो उसके स्थायी ट्रीटमेंट के लिए आईआईटी रुड़की उसमें स्टडी करके डीपीआर बना रहा है। तो उनकी स्टडी के अनुसार उसमें जो भी सुरक्षात्मक कार्य किए जाने होंगे वो किए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ परिवार उसमें हैं जो नगर पालिका में भी अभी निवास कर रहे हैं, और हमारी जो टीम है वो ग्राउंड पर है। कहीं पर भी ऐसा कोई अनसेफ अगर भवन दिख रहा है तो उनके रहने की और सभी जो रहने के अरेंजमेंट्स हैं वो प्रशासन के स्तर से किए जाएंगे। और इसके अलावा जो जिनके घर अभी ऐसे भवन ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उनको अभी हमने एसडीएम कर्णप्रयाग को हमने क्षति की जो धनराशि होती है वो भी उपलब्ध कराई है। तो जो भी इसमें प्रभावित परिवार हैं तो उनको गृह अनुदान की धनराशि भी दी जाएगी।